हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं। आज फिर से डीनैक में एक जॉब आई हुई है, जॉब है एनिमेटर की। ठीक है, तो देखते हैं एनिमेटर के लिए क्या दे रखा है। विजुअल इफेक्ट है, डीनैक एनिमेशन यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ट्रेलर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसे क्वेश्चन करोगे, काम करोगे, आइडिया मिलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, अभी देखो यहाँ पे कौन कौन सी मूवीज़ आ रही हैं। ठीक है, डीनैक के पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, प्लस में देखो कौन कौन सी मूवीज़ हैं। ठीक है, अभी होना क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ डीनैक की, तो डीनैक में जैसे जो रिक्वायरमेंट है मेरे पास, वहाँ पे ओपनिंग है एनिमेटर की। ठीक है, एनिमेटर की डिमांड है यहाँ पे कि भाई एनिमेटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, माया आना चाहिए, उसे माया में एनिमेशन कर सके। जॉब लोकेशन में इन्होंने तीन ऑप्शन दे रखा है, चेन्नई, मुंबई एंड बैंगलोर, ये तीनों में से कहीं पे भी आप चूज़ कर सकते हो। आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसको क्या आना चाहिए। ठीक है, उसको 12 वर्ड्स इन प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, जो एनिमेशन की जो प्रिंसिपल होते हैं, 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में आना चाहिए। वो 12 प्रिंसिपल भी मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। ठीक है, नॉलेज ऑन ऑर्डर्स माया, ठीक है, माया के नॉलेज होने चाहिए। एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम इन्वायरमेंट, चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टीम में काम करना जरूरी है, इसलिए इन्होंने मेंशन करा है एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम इन्वायरमेंट। ठीक है, रेलेवेंट सोइल कंपोनेंट, अच्छा चलो आपकी सोइल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, Highly motivated and adaptable, ठीक है, and must communicate well, be able to take notes and direction, ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ तो भाई उनको कम्युनिकेशन की अच्छी होनी चाहिए। अभी डीनैक है, इंडिया की तो नहीं है, बाहर की है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन लेवल वो बढ़ जाओ, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे जगह पर जाओगे, जैसे चेन्नई में तो चेन्नई की जो लैंग्वेज वहाँ पर वो बोलेंगे, मुंबई की जो लैंग्वेज होगी वो बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, तो इंग्लिश की तो इनकी डिमांड होती है, तो कम्युनिकेशन आपकी अगर अच्छी हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो सैलरी ऑफर करें, उन लोगों ने ओपनली बता दिया भाई सैलरी हम लोग 18,000 ही देंगे, 18 से 20 नहीं देने वाले। तो जो लोग माइंड में है कि भाई मुझे 20 ही चाहिए, 22 चाहिए, 25 ही, तो उनके लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे एक बहुत अच्छे स्टूडियो में काम करना है, क्योंकि मेन चीज़ क्या, किसी बड़े स्टूडियो में आप जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो होता आपको आइडिया मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। अगले 6 महीने अगर आपने काम कर लिया, ठीक है, तो 6 महीने अगर आप काम करते हो, 6 महीने में भी आपका इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। उसके बाद आप कहीं भी ज्वाइन करते हो 6 महीने साल करने के बाद, तो आपका पैकेज के डबल भी हो जाता है। ठीक है, तो डबल या आधा, जैसे मान लो 18 है, तो 18 के बाद आपका 25, 30, 35 तक पहुँच जाता है। ठीक है, पैकेज ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई कैसे क्या क्या काम करना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रॉपर दी, और आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो लोग जो स्टूडेंट मेरे से कॉन्टेक्ट में है, उन लोग के लिए भी है। ठीक है, तो वो लोग जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो रिज्यूम मेरे को भेज देना, मैं उनको अपने एंड से फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर चांसेज और स्ट्रांग बन जाएंगे।